नमस्कार। स्त्री मन की एक कविता जो थोड़ा सा आंचलिक स्वाद लिए हुए है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत, फिर भी अपनी आंगन में कूटती हैं गोधन, गाती हैं गीत, अशीसती हैं बाप भाई जिला जवार को। फिर भी अपने आंगन में कूटती हैं गोधन, गाती हैं गीत, अशीसती हैं बाप भाई जिला जवार को और देती हैं लंबी उम्र की दुआएँ। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश। जो बरसों से नहीं आए उनके द्वार, जो बरसों से नहीं आए उनके द्वार, फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतिया कर, फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतिया कर जान लेती हैं किस भाई भतीजे का छेका होना है, कौन सी बहन भतीजे की सगाई होनी है, गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है और कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां हर साल लगन के मौसम में जोहती हैं न्योते का संदेश। जो बरसों से नहीं आए उनके द्वार, फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतिया कर जान लेती हैं कौन से भाई भतीजे का तिलक छीका होना है, कौन सी बहन भतीजे की सगाई होनी है, गांव मोहल्ले की कौन सी नई बहू सबसे सुंदर है और कौन सी बिटिया किस गाँव ब्याही गई है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार ठिठकती हैं। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार ठिठकती हैं, देखती हैं बार बार मुड़कर, देखती हैं बार बार मुड़कर, मुस्कुराना चाहती हैं, मुस्कुराना चाहती हैं पर एक उदास खामोशी लिए, पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर, पर एक उदास खामोशी लिए चुपचाप चल देती हैं घर की ओर। तब जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है नज़र, तब जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है नज़र, बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से, पर फिर संभल कर बदल देती हैं बात और सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियाँ। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। धन्यवाद।